सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी हिंदी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के जो पहला टेक न्यूज है वो एक शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि Huawei के फोन अभी बैंड हो गया है, क्योंकि Google ने जो उसका एंड्रॉयड अपडेट देता है वो बंद कर देगा। यानी कि Google एंड्रॉयड को लेकर एंड्रॉयड सीरीज में कोई भी फोन Huawei या Honor कोई भी नहीं ला पाएगा, Google ने उसको बैंड कर दिया है। इसके रीज़न भी दे दिया है, इसके रीज़न ये है कि Huawei के फ़ोन से डेटाबेस जो पब्लिक का होता है वो चाइना में भेज देता है Huawei, इसी कारण Huawei को Google ने बैंड कर दिया है। एक्चुअली देखा जाए तो ये चीज़ एकदम सही नहीं है, कोई कंपनी का फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे डेटाबेस चुरा के चाइना को भेज दे तो ऐसा कंपनी को बैन करना ही चाहिए। अभी Huawei भी बोला है उसका एक बैकअप सिस्टम है, उससे वो चालू करेगा, वो एंड्रॉयड में नहीं आएगा। मगर अभी जो भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन ही इस्तेमाल करते हैं। अभी सोचिए Huawei का जो बिजनेस है वो कहाँ चला जाएगा। फिर भी Google ने एक चीज़ बता दिया, जो जो फ़ोन में ऑलरेडी एंड्रॉयड है तो वो सब फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टाइम पे उसका अपडेट मिलता ही रहेगा। मगर जो नया फ़ोन आएगा Huawei का या Honor के, उस फ़ोन में कोई भी एंड्रॉयड नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी हिंदी। तो चलिए जान लेते हैं आज के और क्या क्या टेक न्यूज़ है। दोस्तों ये दूसरा जो टेक न्यूज़ है वो है Redmi K20 के ऊपर, क्योंकि K20 का एक अंतुत्व स्कोर निकल गया है, वो एक क्रेजी कोर स्कोर है, वो है कुछ 450,000। यानी कि इतना फास्ट होगा ये फ़ोन, जो गेमिंग के लिए एक्चुअली ये फ़ोन है तो बहुत ही गेम खेलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस फ़ोन में गेम खेल पाओगे। अभी ये फ़ोन का कीमत क्या होगा बताया नहीं है, तो फिर भी इसका जो कीमत आएगा कुछ 25,000 या 26,000 रुपये तक आ सकता है इंडियन मनी। यानी कि एक अच्छा फ़ोन लाने वाला है बहुत जल्दी Redmi। दोस्तों गेमिंग फ़ोन बहुत लोग पसंद करते हैं और इसके लिए वेट भी करते हैं, तो मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ ब्लैक शार्क की तरफ से। ब्लैक शार्क 2 आने वाला है बहुत ही जल्दी, 27 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि चाइना में लॉन्च ऑलरेडी हो गया है, इंडिया में लॉन्च होने वाला है 27 तारीख को। और इसका रैम वेरिएंट है कुछ 8 GB का है, कुछ 12 GB का है, यानी कि रैम वेरिएंट भी अच्छा है, देखने को बहुत अच्छा है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी है इस फ़ोन में। तो जो जो गेमिंग फ़ोन पसंद करते हो ये फ़ोन ले सकते हो, और ये फ़ोन का स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत एग्रेसिव आएगा, यानी कि अच्छे क्वालिटी का एक फ़ोन आपको मिल जाएगा एकदम सही प्राइस में। दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, वो है Realme की तरफ से। माधव सेठ जी ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उसने बोला है कि Realme X जो आने वाला है वो इंडिया में आएगा कुछ 18,000 रुपये के नीचे, यानी कि कुछ 16,000 या 17,000 रुपये में आने वाला है। मगर उसका जो फीचर्स रहेगा वो कुछ अलग रहेगा, क्योंकि चाइना में जो आया था वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 में आया था, मगर इंडिया में जो आएगा वो लगता है कुछ 730 में आएगा, क्योंकि Redmi का भी फ़ोन आ रहा है कुछ 730 में, तो उसका भी प्रोसेसर सही लाना चाहिए, इसी कारण लगता है वो 730 या 730G के ऊपर ये फ़ोन। दोस्तों आज जो वीडियो डाला था Zenfone 6 के, उसका टीज़र पेज आ गया है Flipkart में, मगर कुछ डेट को दिया नहीं कब ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है, मगर टीज़र पेज आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़ोन होगा, जो जो बाय करना चाहते हो कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद ये फ़ोन बाय करना, क्योंकि इसका जो प्राइस भी है प्राइस भी आएगा एक एग्रेसिव प्राइस में आएगा, और ये फ़ोन आप ज़रूर ले सकते हो क्योंकि इस फ़ोन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा। दोस्तों ये न्यूज़ है OnePlus इस्तेमाल करते हो जो दोस्तों, उसके लिए ऑक्सीजन OS के बहुत बड़े अपडेट आने वाले हैं, कुछ नाइट मूड आएगा, कुछ पैनोरामा मूड आएगा, ऐसे करके बहुत मूड आने वाला है नया नया, और कुछ नया फीचर्स भी इंडिया के ग्राहकों को लेके आने वाला है। अभी तक अपडेट जिन जिन को नहीं मिला है तो कुछ दिन वेट कर लो, बहुत ही जल्दी आपके ऑक्सीजन OS का अपडेट आ जाएगा। दोस्तों अभी तक क्यू अपडेट आया नहीं है, मगर एंड्रॉयड आर के बारे में बात होना शुरू हो गया, क्योंकि एंड्रॉयड आर में एक अच्छा मूड आएगा, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग मूड, जो ज़रूरत होता है जो यूट्यूब वीडियो करते हैं जो, उसके लिए ये मूड बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके लिए अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, मगर फ़ोन में ही ऐसा कुछ फीचर्स रहता है तो उसके लिए अलग से कोई ऐप इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, तो ये एक अच्छा चीज़ आ रहा है। मगर आर से कौन सा स्विच होगा उसका नाम आप बता सकते हो कमेंट में जाकर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखो, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।